भारतीय महिला टीम के ऑलराउंडर स्नेहा राणा और भारतीय टीम ने कॉमनवेल्थ में शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय महिला टीम दूसरे नंबर पर रही, जहां पर उन्हें सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। स्नेहा राणा जब अपने घर देहरादून लौटी, इस दौरान उनका स्वागत हुआ। हमारे सहयोगी ने स्नेहा राणा और उनकी माँ से खास बातचीत की। भारतीय महिला टीम की सनसनी ऑलराउंडर स्नेहा राणा हमारे साथ हैं। स्नेहा राणा का प्रदर्शन कॉमनवेल्थ जो गेम था उसमें किस तरह करा हुआ हर किसी ने देखा। मैम से ही बात करते हैं। मैम, एक ऐसा प्रदर्शन और गले में आपका सिल्वर मेडल, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहने को तो अभी शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि इतनी खुशी हो रही है। पहली बार टीम कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया और सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, तो काफ़ी खुशी है। नहीं, जब आप लोग सेमीफाइनल में थे, सामने इंग्लैंड थी, इंग्लैंड जैसी टीम जो कि धुरंधर टीम मानी जाती है, और जब आपको आखिरी ओवर दिया गया तो क्या सोच रहे थे आप उस समय, क्योंकि आखिरी ओवर वो भी आमतौर पर स्पिनर को देखा नहीं जाता आखिरी ओवर में? देखिए, मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया वहाँ पर और एकदम फोकस थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं उस टाइम पे, बिकॉज आप जितना प्रेशर लेते हो आपका परफॉर्मेंस उतना निखर के नहीं आता है। तो मैं एकदम काम थी और मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया। अब नेक्स्ट कई सारे अब होने वाले हैं टूर्नामेंट आपके जो हैं, तो उसको लेकर कितने कॉन्फिडेंट है पूरी भारतीय टीम अगर देखें? देखिए, यहाँ से अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज़्यादा हाई हो गया है कॉमनवेल्थ में मेडल लाने के बाद, और आगे अभी और प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे अपनी सीरीज के लिए। उनके गुरुजी भी हमारे साथ हैं। गुरुजी, इस तरह के शिष्य और लगातार आप जो लड़कियाँ हमारी हैं उनको आप तैयार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? स्नेहा, मेरे को पहले से ही विश्वास था, जैसे चाहे उसने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला, चाहे वर्ल्ड कप खेला, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ खेला, तो उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। स्नेहा जो है एक बचपन से ही एक अच्छी ऑलराउंडर थी, तो उसने जिस प्रकार से मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर कौन गेम अच्छा गेम करेगी, बहुत अच्छा गेम किया उसने। और बच्चों को भी तो तैयार कर रहे हैं आप, बच्चियों को तैयार कर रहे हैं आप? अभी एक प्रिया राज है एक लड़की अभी, जिसने कि 48 ओवर के, अभी सिर्फ 14 साल की, 48 ओवर खेला और 123 रन मारे उसने और 9 विकेट लिए थे उसने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय भी प्रिया राज का होगा। स्नेहा राणा, जिसका प्रदर्शन हर किसी ने देखा कॉमनवेल्थ जो गेम था उसमें शानदार रही उनकी ऑलराउंडर, फिर बैट से चलना हो या फिर बॉलिंग कर कर सामने वाले को रोकना, सब कुछ में वो अव्वल नजर आए, और इसी वजह से भारतीय टीम ने जो है वो ये प्रदर्शन किया, दूसरे नंबर पर रही, और आने वाले दिनों में कॉन्फिडेंस जिस तरह से उन्होंने कहा कि बढ़ रखा है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा इस तरह का खेल हमें देखने के लिए मिलेगा। मेरे सहयोगी सुनील के साथ में योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10, देहरादून। भारत की शान महिला क्रिकेटर की ऑलराउंडर स्नेहा राणा अपने घर पहुंच चुकी हैं। प्रदर्शन किस तरह का रहा उनका कॉमनवेल्थ जो गेम है उसमें सभी ने देखा, पूरा परिवार उनका है, उनकी माताजी हैं उनके साथ, आप देख सकते हैं बुआ जी भी है यहाँ पर, उनसे ही बात करते हैं। अंडी जी, किस तरह का प्रदर्शन, जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा, कैसे देखा आपने, क्योंकि आप टीवी में जरूर उस समय बैठी रही होंगी? जी हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से सब परिवार बैठा रहा, सब पूरी देखते रहे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक उतरा है और बहुत अच्छा लगा हमें। बचपन में इसने कहा मैं क्रिकेट खेलती हूँ, या किसने सोचा कि वो क्रिकेट खेलेगी, क्योंकि अमूमन लड़कियाँ तो नहीं सोचती हम कि क्रिकेट खेलेगी, तो क्या था ये? ये उसका अपना वो था, अपना शौक था कि मतलब छोटे से ही लड़कों के साथ में क्रिकेट खेलने चली जाती थी, और बस वहाँ से हमने भी भेजते रहे कि चलो चलो, क्योंकि उसकी मेहनत भी है भाई, स्कूल भी पढ़ी, अपने खेल में भी ध्यान दिया, अपना स्कूल भी करा सब कुछ, और फिर दूसरी स्टेट में जाके सब कुछ करा, बहुत मुश्किलें पड़ी क्योंकि हमारे उसमें तो कुछ है नहीं ऐसा, दूसरे स्टेट में जाके सब कुछ करना पड़ा, तो बहुत अच्छा लगा। कभी आपने कहा कि नहीं रुक जाओ, क्या खेल के कर लेगी, क्या होगा खेल के? नहीं, हमने कभी नहीं रुका, कभी भी नहीं करा हमने, कभी ऐसा कुछ नहीं करा कि नहीं, हमने पूरा साथ दिया उसका, उसका उसका शौक था, हमने कहा जो शौक है उसका पूरा करो, कभी हमने ऐसा कभी नहीं करा कि नहीं नहीं करना है, जाओ जो शौक है वो पूरा करो अपना। देख सकते हैं कि किस तरह, जिस तरह से उनकी माँ जो है उन्होंने कहा कि उसका शौक था और उस शौक को हमने आगे बढ़ाया, तो अगर इस तरह से और लड़कियां भी आगे बढ़ती हैं, उत्तराखंड की वो लड़कियां जो चाहती हैं क्रिकेट खेलें वो आगे बढ़ती हैं, तो इससे प्रदेश का, देश का नाम रोशन होगा। मेरे सहयोगी सुनील के साथ में योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10, देहरादून। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।